सामने है कागज कि शासन आपको लखनऊ से कागज भेजे, आप योगी सर मुख्यमंत्री की सरकार का आदेश का पालन ना करें और अपने हिसाब से अपने नाम डाल रही हो, ये कैसे होगा? नीता जी, नियम के हिसाब से और मानवता का थोड़ा दर्शन दीजिए यहाँ पर। ये अमेठी है, यहाँ पे एक एक गांव वाला मेरे तक पहुँच जाता है। आप इससे पहले कहाँ पोस्टेड थी? तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, अमेठी में एक एक नागरिक पहुँच जाता है अपने सांसद तक कागज के साथ। तो जितना आपके पास पेंडेंसी है आपके डेस्क पे, आज के आज पूरा करिए आप। नाम बताए। आ गया इधर हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी से ला देती हूँ। मुझे आप मार्च का इनका पेंडिंग क्यों है वेतन? रीटा जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं कागज लाना शुरू कर दूं। मैं कागज की अगर आपको एक एक करके रीम ऑफ पेपर और फाइल लाना शुरू कर दूंगी, और अगर ये प्रूफ हो गया फाइल पे कि आपने जानबूझ के नहीं किया आदेश के बावजूद, आप मुझे बताइए फिर। मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ, टीचर्स की ओर से आपको भी बताया कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का आप सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप। इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, अगर आपके सांसद के यहाँ से फोन आके आप 10 मिनट मुझे शिक्षक कितना खराब है ये बता रहे हैं या उनको कितनी गलत फहमी हो रही है बता रही हैं, तो आप इनका तो क्या हाल करती होंगी। और थोड़ी तो दया, क्या उम्र है आपकी? रीटा जी, 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है, आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली, तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं, तो इस 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए, योगी की सरकार भी देना चाहती है। गतिरोध मत बनिए।